Hello dear student, this is Sudhir Sahu from Life Science Tutorial and today we are discussing about the three important topic जो कि बाकी है आपके genetics में. मैंने सोचा कि इन topics को मैं यहीं आपको clear कर देता हूँ. इसमें हम mainly focus करेंगे, सबसे पहले हम mating को clear करेंगे. mating से एक question बन जाता है, कभी कभी आता है वो. उसके बाद हम सबसे important topic को discuss करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं. और लास्ट में हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत से डिजीज आएंगे जिनके बारे में हमको डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है. और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको मोल बायोलॉजी में पढ़ाता बट मैं सोच रहा हूँ कि जेनेटिक्स में ही कवर कर दूँ, जिसका नाम है म्यूटेशन. तो म्यूटेशन जो टॉपिक है वो मोल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक्स में ही उसको कवर कर दें, ठीक है. तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये प्रोवाइड करने के बाद, जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. तो लगभग लगभग 170 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है, फ्रॉम द बेसिक टू द टफ क्वेश्चन जेनेटिक्स के लिए. तो इस वीडियो के बाद पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा हमारा, स्टार्ट करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है. चलिए, आज हमको कवर करना है मेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो मेटिंग मतलब ऐसा बोल सकते हो क्रॉस बिटवीन. यदि सिंपली मैं बात करूं तो ये क्या है एक्चुअल में, क्रॉस बिटवीन दो अलग अलग इंडिविजुअल, मेल है एंड क्या है फीमेल है. मेल और फीमेल के बीच में यदि तुम क्रॉस करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटिंग कहते हैं, ठीक है. ये तो सभी जानते हैं, बट एक्चुअल में हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हार्डी वेनबर्ग की बात किए थे लास्ट टाइम, तो हार्डी वेनबर्ग के कंडीशन में ना मेटिंग को हम दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं. एक होता है जो हार्डी वेनबर्ग ने बोला था, क्या बोला था, रैंडम, ठीक है. ऐसा मेटिंग होना चाहिए जो कि कैसा हो, बोलता है रैंडम हो. मगर जो सेकेंड होता है वो होता है एसॉर्टिव, एसॉर्टिव मेटिंग होती है, ठीक है. तो एक है रैंडम, मतलब कि अनचाहा, अनप्रिडिक्टेबल, अपने आप होगा. एसॉर्टिव में हम सेलेक्ट करेंगे और उनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है. अब बात हो रही है यदि रैंडम की, तो रैंडम जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स अपने आप तो नहीं होगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा. तो प्रैक्टिकली डज नॉट हैपेंस, पहला पॉइंट जो बनेगा वो हो जाएगा आपका प्रैक्टिकली Does not happen, ठीक है. मतलब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में, मतलब यदि नेचुरली बोलोगे तो आप इसको कर नहीं पाओगे. तो ये होगा कहाँ, तो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, ठीक है. ये कैसा है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, सैद्धांतिक है, एक तरह का अवधारणा है, ठीक है. हाइपोथेटिकल है मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. कैसे मैनेज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल और फीमेल गैमेट को पहले इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है. हमारे पास बहुत सारे मेल और फीमेल गैमेट आ गए हैं, मान लो, समझ मारे पॉइंट, बहुत सारे मेल एंड फीमेल गैमेट आ गए हैं. अब इसको क्या करेंगे, इनके बीच में अलाउ कराएंगे फर्टिलाइजेशन. तो कलेक्ट दी मेल एंड फीमेल गैमेट एंड देन अलाउ फॉर दी फर्टिलाइजेशन. उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन के लगाव कर देंगे. तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रैंडम बोलेंगे. मगर जो एसॉर्टिव होता है, जो सेलेक्टिव मेटिंग होती है, उसको हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है. एक होता है पॉजिटिव एसॉर्टिव मेटिंग, और एक को हम बोल देंगे नेगेटिव. ये शॉर्टकट में लिखता हूँ ना, वी माइनस वाला, नेगेटिव एसॉर्टिव है ये लो. तो पॉजिटिव मतलब अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा मतलब कैसा, एक अच्छा प्लांट है कौन, टॉल. टॉल का क्रॉस टॉल से ही करा रहा हूँ तो पॉजिटिव हो गया, अच्छे के साथ करा रहा हूँ. मगर एक टॉल का क्रॉस मैं डॉर्फ प्लांट से करा रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा. तो मेटिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, या हो जाएगा मेटिंग ऑफ डिससिमिलर कैरेक्टर, ठीक है.
तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा मेटिंग विथ सिमिलर कैरेक्टर, और ये हो जाएगा आपका मेटिंग विथ डिसिमिलर कैरेक्टर, ठीक है, डिसिमिलर कैरेक्टर। ये क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिकली मेटिंग को यहां पे डिफाइन करेंगे। अब ठीक है, चलो अब यहां पे लॉजिक क्या बनता है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? तो जेनेटिक्स में यहां से क्वेश्चन आते बेटा इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग से, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग से, मतलब कि एक छोटी सी पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन कभी भी दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट नहीं करता है, उनके बीच में ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, उनके बीच में गैमेट बन रहे हैं, कभी भी उनके जीन का एक्सचेंज बाहर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। सेम टाइप के पॉपुलेशन के साथ बार बार क्रॉस कराना क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग कहलाएगा, और वैरायटी के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो कहलाएगा आउटब्रीडिंग, ठीक है ना। तो यहीं पे अपन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, दो तरह की ब्रीडिंग हो गई, ठीक है, दो कंडीशन बन जाएगा। यदि मैं यहां ले लूं तो फर्स्ट कंडीशन बन जाएगा इनब्रीडिंग, ठीक है, और यदि मैं सेकेंड कंडीशन ले लूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा आउट ब्रीडिंग बन जाएगा। इनब्रीडिंग मतलब ये होगा कि सेम टाइप के पॉपुलेशन का बार बार तुम क्या करा रहे हो, क्रॉस, मतलब कि दो सेम जीनोटाइप है, ठीक है, उनके बीच में तुम क्रॉस करा रहे हो। तो यहां पे बोल सकते हो मेटिंग ऑफ सेम या फिर सेम जीनोटाइप ही बोल देते हैं, जीनोटाइपिक ट्रेड्स या इंडिविजुअल, ठीक है। तो इनके बीच में यदि क्रॉस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनब्रीडिंग बोलेंगे। तो इनब्रीडिंग बार बार होने से उनके बीच में क्या जनरेट होगा, सिमिलैरिटी। भाई सिंपल सी बात है, यदि बार बार उसी पॉपुलेशन में क्रॉस होते गया तो नई वैरायटी आएगी कहां से। आउटब्रीडिंग मतलब ये हो जाएगा मेटिंग, हम तो कराएंगे, ठीक है, मेटिंग ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब इसमें वो उसके परिवार का नहीं है, अलग है, तो इस कंडीशन में ना सिमिलैरिटी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो वेरिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बताओ हमारे लिए कौन अच्छा है, इनब्रीडिंग की आउटब्रीडिंग? तो आउटब्रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इनब्रीडिंग, क्योंकि इनब्रीडिंग होने से बार बार यदि इनब्रीडिंग होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होमोजाइगस कंडीशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे तुम इसको हाईलाइट कर लेना, हमारे काम का चीज कौन है, आउटब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग में लिमिटेशंस है, ठीक है, सिमिलैरिटी हो गई, मतलब कि होमोजाइगोसिटी, और ये जो कंडीशन है वो कैसा होगा, हेटरोजाइगस होगा, ठीक है, मतलब कि इसमें सिमिलैरिटी होगी और आउटब्रीडिंग में जो है वो डिससिमिलैरिटी होगी, ठीक है, ये समझ में आया पॉइंट? तो इतना अपने को समझना है। इसके बाद देखो, जब बार बार इनब्रीडिंग होगा तो स्मॉल पॉपुलेशन का जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ होमोजाइगस, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि बार बार इनब्रीडिंग से क्या होगा, तो मैं बोलता हूं देखो, तो रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज इक्वल इंक्रीज द लेवल ऑफ होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का बढ़ना मतलब कि उनके बीच में क्या बढ़ रही है, सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ज्यादा क्या होगा, सिमिलैरिटी होगा, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो जाएगी उसको हम कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मतलब वो टेंशन में नहीं आ गया ना, डिप्रेशन होने का मतलब ये है कि बार बार इनब्रीडिंग होने से बच्चे जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए हैं, सिमिलैरिटी उनमें शो हो रही है, उस कंडीशन को हम बोल देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसके कारण हो रहा है, तो याद रखना ड्यू टू होमोजाइगोसिटी, मतलब कि सिमिलैरिटी बनने के कारण, जाइगोट सेम टू सेम बनने के कारण यहाँ पे
क्या जनरेट हो गया है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो जनरेट हो गया। तो ये इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है उसका एक कोफिशियंट होगा, तो कोएफिशिएंट, अब यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा चालू हो रहा है कि मतलब नीट में, नीट बोलता हूँ, आपके नेट में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो कोफिशियंट ऑफ इनब्रीडिंग को हम एफ से डिनोट करते हैं। सिंपल, एफ की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उसमें इनब्रीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वैल्यू 0 है तो नो इनब्रीडिंग, नो इनब्रीडिंग कहना आएगा, मतलब ये अच्छा कंडीशन है। यदि 1 आ गया मतलब समझ जाना मैक्सिमम है, मैक्सिमम इनब्रीडिंग, इससे ऊपर और नहीं हो सकता, ठीक है, इससे ऊपर और वैल्यू नहीं हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे इनब्रीडिंग कोफिशियंट, मैक्सिमम है बोल देंगे। क्लियर हो रहा पॉइंट? मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग के कारण है ना, इनब्रीडिंग लीड्स टू जनरेट, क्या जनरेट करेगा, सेम सेम बच्चे, तो सेम सेम बच्चे को क्या बोलेंगे, ऑटोजाइगस बोलेंगे ना, ऑटोजाइगस कंडीशन, ये जनरेट कर लेगा क्या, ऑटोजाइगस कंडीशन को जनरेट कर लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ड आ गया ऑटोजाइगस क्या होता है, तो यहाँ पे ना दो तरह के जाइगस हैं, देखो एलोजाइगस और एक है आपका ऑटोजाइगस, ठीक है, एलो और ऑटोजाइगस। तो यदि एलोजाइगस बोल रहे हैं मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा होमोजाइगस, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस बाई चांस, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हो रही इसके कारण बन गया, अचानक से होमोजाइगस कंडीशन आ गया तो उसको बोलेंगे एलोजाइगस। और ऑटोजाइगस बोले तो ऑटोजाइगस मतलब तुम्हारे पेरेंट से आएगा तुम में, तो होमोजाइगोसिटी ये भी है, होमोजाइगोसिटी ड्यू टू किस कारण से होगा, ड्यू टू इनहेरिटेंस, मतलब ये जो है तुम्हारे किससे आएगा, पेरेंट्स से आएगा, आपके पेरेंट्स से यदि आप में सिमिलैरिटी जनरेट होती है तो उसको बोलेंगे ऑटोजाइगोसिटी, और बाय फॉल्ट यदि आ जाता है होमोजाइगस कंडीशन तो उसको बोलेंगे अपन एलोजाइगस, ठीक, क्लियर पॉइंट। तो यहां पे ना एक फार्मूला है भाई, यदि मैं बोलूं कि इन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, यदि मैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बेस मानूं तो उसके पॉपुलेशन में जो एफ की वैल्यू है, एफ मतलब हम समझ गए कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग, इज इक्वल 2PQ - H अपॉन 2PQ है। अब देखो ये 2PQ क्या है, हेट्रोजाइगस है ना भाई, याद है ना अपन ने जब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बनाया था तो P+Q = 1 था, फिर P² 2PQ Q² क्या था, डोमिनेंट था, 2PQ हेट्रोजाइगस था और Q² क्या था, रिसेसिव था। तो यहां जो 2PQ लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, समझ में आ रहा पॉइंट। तो इस फॉर्मूले को पुट करके तुम क्या निकाल सकते हो, इसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को निकाल सकते हो, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहां पे 2PQ क्या है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस है, ठीक है, और एच क्या है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, दोनों को नोट कर लो, 2PQ क्या है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, और यदि मैं बात करूं एच का तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे जितने भी कंडीशन हमने देखा था वो तुम्हारे इसी में से आ जाएगा, मेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो मेटिंग में इतना बच गया था, इसको नोट करना था, मैं पिछले वीडियो में इसको कवर कर तो देता पर थोड़ा सा वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसका हमने एक और नाम रखा है, क्या है भाई, मेंडेलियन, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब एक्चुअल में ये एक तरह का ऑटोसोमल डिजीज है, मेंडल ने जो डिस्कवर किया था एक्चुअल में क्या था, ऑटोसोमल डिजीज है। तो ऑटोसोमल डिजीज में सबसे जो फेमस है
उसको हम पहले स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। जितने भी हम डिस्कस करेंगे सब के सब तुम्हारे ऑटोसोमल डिजीज होंगे, लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनूरिया, अल्कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, ये सब के सब ऑटोसोमल डिजीज है। दैट मीन्स ऑटोसोम में जीन के इम्बैलेंस के कारण जो डिजीज होगा उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज। तो सबसे पहले जो तुम्हारा आता है वो है भैया सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया का सबसे स्टार पॉइंट क्या है, इसको अलग से नोट कर लेना। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन प्लस एक और एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये समझ गया होगे। यदि जेनेटिक्स का पूरा वीडियो लेक्चर आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। मतलब जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक डिजीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सिकल सेल मतलब होता है, यदि हिंदी में इसको बोलूं, हसियाकार। क्या बोलते हैं इसको? हसियाकार बोल देते हैं। दैट मीन्स जो हमारा आरबीसीएस बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, ये कैसा है? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, और पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण इसका जो शेप है, आरबीसीएस का जो शेप है वो कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है। ठीक है, ये क्या है? तो सिकल लाइक। सिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर से सिकल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होना, ये कंडीशन आपको कहां दिखेगा? सिकल सेल एनीमिया में दिखेगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्यों है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? तो ये एक्चुअल में होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में इंबैलेंस के कारण। अब पहले समझ लो कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को डिनोट करते हैं Hb से, और Hb जो है वो बना होता है फोर पॉलीपेप्टाइड चैन से। पॉलीपेप्टाइड चैन को शॉर्टकट में पीपी लिखते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन। फोर पॉलीपेप्टाइड चैन में से दो अल्फा होते हैं अल्फा टू, प्लस दो बीटा चैन होते हैं बीटा टू, अल्फा टू एंड बीटा टू। इसमें जो अल्फा चैन है वो 141 अमीनो एसिड का बना होता है, 141 अमीनो एसिड का बना होता है एक अल्फा चैन, और जो बीटा चैन होता है वो 146 नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, अब अल्फा चैन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो कहाँ चेंज होगा? बीटा चैन में। तो मान लो ये प्रोटीन का एक बीटा चैन है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चैन है मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन में जो मोनोमर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अमीनो एसिड देखना, 1 2 3 4 5 6, सिक्स नंबर पे यहां पे क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। यहां पे एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसमें ग्लूटामिक एसिड में भाई ट्रिपलेट कोडॉन से अमीनो एसिड बनता है। मान लो उस ट्रिपलेट कोडॉन में ए ए सी रहा होगा, अब ये ए में म्यूटेशन हो गया और ये बन गया जी बन गया, तो ए जी सी हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। किसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है? तो ग्लूटामिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है। अब ऐसा नहीं रहेगा, देखो ये हीमोग्लोबिन का चैन है, 1 2 3 4 5, और सिक्स नंबर पे अब दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, इसको कलर चेंज कर देता हूं। ये कौन है? तो ये वैलिन है। मतलब ग्लूटामिक एसिड से चेंज होकर के क्या बन गया? वो वैलिन बन गया। कौन सा पोजीशन है ये? सिक्स पोजीशन है। ठीक है ना, ये सिक्स पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चैन व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा। मतलब
इसको यदि मैं सेंटेंस में ऐसा लिखना चाहूं जो कि स्टार पॉइंट बनेगा आपका, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया क्यों हुआ? तो सिकल सेल एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन सिक्स पोजिशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कैसे हुआ? तो इन सिक्स पोजिशन, नेक्स्ट पॉइंट यदि बोलूं, स्टार पॉइंट है यही हमारा। स्टार पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टार पॉइंट हो जाएगा आपका कि इन सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन, यदि हम चैन की बात करें, बीटा ग्लोबिन चैन, ग्लूटामिक एसिड जो था वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, ये हमारा मेन की पॉइंट है। इतने पॉइंट को तुम याद रखना कि एग्जाम्पल किसका है, तो सिकल सेल एनीमिया का है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। और तुम्हारे एक और एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या है, मतलब यदि सिक्स पोजिशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया तो क्या दिक्कत है? तो इसका जो मेन दिक्कत है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहा हूं मैं? डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी मतलब क्या है? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है ना, और ये बना लेता है HbO8 बना लेता है। अब जितना स्पीड से ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर रहा है, वो रेट कैसा हो जाएगा? रेट हो जाएगा स्लो हो जाएगा। बाइंडिंग का जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसी स्लो बाइंडिंग स्पीड को हम बोलते हैं बाइंडिंग एफिनिटी। ठीक है, ओके, ठीक है। बट कोई भी पर्सन में जिसको सिकल सेल एनीमिया है, उनके बॉडी में HB का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। हाँ, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसा अच्छा काम करना था वैसा नहीं कर पा रहा है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी का डिफरेंस, मतलब हीमोग्लोबिन अच्छे काम करना बंद कर देगा, सस्ता हीमोग्लोबिन बन गया है। और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन जैसा था वैसा ही है, मगर अल्फा और बीटा चैन सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए उनकी बॉडी में जो अल्फा और बीटा चैन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और कंसंट्रेशन के कम होने से यदि अल्फा और बीटा चैन कम हो गया, तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे ना द कंसंट्रेशन ऑफ HB नॉट अफेक्टेड, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो जब कंसंट्रेशन नहीं अफेक्ट हो रहा तो क्या अफेक्ट होगा? तो इट इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, इट इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक तरह का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्वालिटी डिक्रीज होगी, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सबसे पहले नंबर का डिजीज, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सेम ऐसा ही कंडीशन तुम्हारे थैलेसीमिया में भी होगा, बस थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, तुम्हारा जो सेकेंड डिजीज है वो है आपका थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया जो डिजीज होते हैं, ये भी तुम्हारा क्या है? तो मैं बोलूंगा ऑटोसोमल, ये पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या होगा? तुम्हारा
इसको ना स्टार पॉइंट बना के लिखना, जिसको मैं अभी नोट कर रहा हूं कि इसमें जीन म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन होने के कारण लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा चैन, अल्फा और बीटा चैन का जो सिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, कम होने का रीजन क्या है? तो मैंने बताया जीन म्यूटेशन। तो ये जीन म्यूटेशन क्या है भाई? ये तो नया लग रहा है ना, अभी हमने म्यूटेशन तो पढ़ा नहीं है। तो ये क्या होता है? तो देखो, एक्चुअल में हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है मतलब हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 16 नंबर का क्रोमोसोम, एक है हमारा 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, 16 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें तुम्हारा HbA1 और HbA2 रहता है, दो जीन रहते हैं। क्या क्या रहता है बोलो? HbA1 और एक रहता है HbA2। और 11 नंबर के क्रोमोसोम में यहां पे क्या होगा, HbA1A2 तो हो गया, HbB रहता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन कौन है, HbA है। ये कैसा है? तो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आ रहा है? तो देखो, जीन प्रेजेंट है 16 नंबर और 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, दैट मींस कहीं ना कहीं इन क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट है जीन, उसका क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, डिलीशन ऑफ HbA1, HbA2 एंड HbB। ठीक है, इनका डिलीशन हो जाता है। तो अब डिलीशन या तो अल्फा चैन का होगा, अल्फा चैन सिंथेसाइज नहीं होगा, या तो बीटा चैन नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, थैलेसीमिया को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को हमने बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया और एक को हम बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। अल्फा कब बोलेंगे? जब अल्फा चैन सिंथेसाइज नहीं होगा, दैट मींस लेस सिक्रीशन ऑफ अल्फा चैन। और अल्फा चैन में लेस सिक्रीशन हो रहा है मतलब इसमें म्यूटेशन या डिलीशन कहां हुआ है, म्यूटेशन या फिर डिलीशन कहां हुआ है? तो म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ अल्फा चैन, यहाँ पे अल्फा चैन ही म्यूटेड हो गया है, इसीलिए इसकी सिंथेसिस क्या हो गई है, रुक गई है, कम हो रही है। मगर जो सेकेंड कंडीशन है बीटा, इसमें क्या होगा, लेस सिक्रीशन ऑफ बीटा चैन। सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। और बीटा चैन का लेस सिक्रीशन कैसे हो गया? तो यहां भी क्या हुआ होगा, म्यूटेशन हुआ होगा। तो यहां पे मैं बोल देता हूं, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ बीटा चैन। ठीक है, बीटा चैन में या तो म्यूटेशन हुआ होगा या तो क्या हुआ होगा, डिलीशन हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, तो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ HB, अल्फा चैन और बीटा चैन कॉमन है तो इसकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बट जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस बाइंडिंग एफिनिटी की बात करो, बाइंडिंग एफिनिटी की बात करो तो, बट क्वालिटी या फिर बाइंडिंग एफिनिटी क्या रहती है, हाई रहती है। ये लो, मतलब ये एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है। मतलब यहां पे बोल सकते हो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव। क्या ये क्वांटिटेटिव चेंज है? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर का सेकेंड नंबर, जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, तुमने कहा कि क्वालिटी डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट जेनेटिक डिसऑर्डर का।
अब उसके बाद अपन थर्ड नंबर पे डिजीज है जिसका नाम है अल्केप्टोनूरिया। ठीक है, ये आपको नया लगेगा, अल्केप्टो नूरिया। ये जो पीछे जो वर्ड आ रहा है नूरिया, ये कहीं ना कहीं यूरिन से मिला हुआ है। और इसका भी पहला जो पॉइंट है वो आप जानते हैं कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और एक तरह का कैसा होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो भाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, बोल सकते हैं इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये एक तरह का क्या है, तो ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इट इज द टाइप ऑफ, बोल सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ इनबॉर्न इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अल्केप्टोनूरिया में जो सेकेंड लाइन है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये अल्केप्टोनूरिया एक्चुअल में होता क्यों है, तो होता क्यों है, तो कोई ना कोई जीन या एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, तो एक यहाँ पे अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, और ये फिनाइल एलानिन जो है वो इंटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ऐसा ना हो तो क्यों, क्योंकि इसमें चेंज करने के लिए कौन चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब ये एंजाइम मान लो नहीं है, लैक ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, तो जब वो एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, नो सिंथेसिस, टायरोसिन नहीं बन पाएगा। तो टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा भाई, ये तो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो चेंज नहीं हो पा रहा है तो फिनाइल एलेनिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन का हो जाएगा एक्यूमुलेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, ये जाके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जाता है कहाँ, ब्रेन में। अब ब्रेन को क्या करेगा, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो अफेक्ट ब्रेन, यदि इसको हमने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, और टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो इसके कारण कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन हो गया मतलब कहीं ना कहीं इस डिजीज के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है, एक तरह के डाउन सिंड्रोम के जैसा ये कंडीशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बात अल्केप्टोनूरिया डिजीज का। क्या चीज की कमी है, तो इसमें उस एंजाइम की कमी है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में क्या करता है, चेंज करता है। तो एक आप ना की पॉइंट बना सकते हैं जो कि आपका स्टार पॉइंट कहलाएगा, कि इन दिस कंडीशन अल्केप्टोनूरिया में क्या है कि इस डिजीज में लैक ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट, यदि बोलेंगे तो लैक ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट, ठीक है, क्या चीज को कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, टायरोसिन में जो चेंज करता है वो एंजाइम यहां पे नहीं है, और यदि वो एंजाइम नहीं होगा तो उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को, उस पॉपुलेशन को एक डिजीज हो जाएगी जिसका हम बोलेंगे फिनाइल कीटो नूरिया हो गई। अब इसी का भाई आ रहा है नंबर फोर में जिसका नाम है अल्केप्टोनूरिया। ठीक है, ये अल्केप्टोनूरिया, और ऊपर वाला क्या था देख लो एक बार, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्केप्टोनूरिया लिख दिया ना ये, सॉरी इसको हटा देना, यहाँ पे लिख देना फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटो नूरिया, इसका नाम क्या है,
फिनाइल कीटोनूरिया है, और अभी जो पढ़ेंगे वो हमारा है अल्कैप्टोनूरिया। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था नाम, तो नाम को आप चेंज कर लेंगे। अभी जो फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कैप्टोनूरिया। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको भी होता है उसका यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई, ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से इसको क्या करते हैं अपन जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई। इसमें भी कोई ना कोई एंजाइम की तो कमी होगी, तो इसमें क्या होता है, हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसका नाम है होमोजेनेटिक एसिड। क्या नाम है इसका, होमोजेनेटिक एसिड। ये होमोजेनेटिक एसिड को कन्वर्ट करता है अदर कंपोनेंट में, अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट को चेंज करने के लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम है होमोजेनेटिक एसिड ऑक्साइड। इस एंजाइम का नाम यदि आप बोले, इसका नाम हो जाएगा होमोजेनेटिक एसिड ऑक्साइड, या फिर बोलेंगे इसको ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एंजाइम है। तो यहां पे देखना, इस एंजाइम की कमी के कारण जो डिजीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कैप्टोनूरिया। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहां पे भी वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, होमोजेनेटिक एसिड का, इन जॉइंट्स लिगामेंट्स एंड टेंडन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इन इन जॉइंट्स, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होंगे आपके बॉडी में, सब जगह पे जितने भी लिगामेंट होंगे वो सब में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट हो गया तुम्हारा, लिगामेंट हो गया, या फिर तुम टेंडन बोल दो, तो जहां भी बोलोगे वहां पे जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारा यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब होमोजेनेटिक एसिड यूरिन में जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और बना लेगा क्या, और ऑक्सीडेज होकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लैक यूरिन। ठीक है, मतलब ये है कि यूरिन में कौन गया, होमोजेनेटिक एसिड। ठीक है, होमोजेनेटिक एसिड रिएक्ट विथ होमोजेनेटिक एसिड रिएक्ट विथ एयर, एयर बोलो या फिर ऑक्सीजन बोलो, रिएक्ट करेगा कहां, जब यूरिन पास होगा। ठीक है, थ्रू यूरिन पास्ट। ठीक है, अब इस यूरिन का जो कलर है रिएक्शन होने के कारण कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन के कांटेक्ट में आने से इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ब्लैक यूरिन। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया, तो देख लो पहले ना क्या क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, उसमें सिक्स पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है वैलिन में चेंज हो जाएगा, बीटा चेन की बात हो रही है। सेकंड नंबर है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मतलब क्या है, जीन म्यूटेशन या फिर जीन डिलीशन है। ये जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 में प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के लोकेशन डिलीट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसमें जीन होगी नहीं, और जीन कम होगी मतलब प्रोडक्ट भी कम सिंथेसाइज होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा फिनाइल कीटोनूरिया, और उसके बाद में पढ़ा अल्कैप्टोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन में चेंज करने वाला एंजाइम की कमी होगी, जिसके कारण वहां पे उसका डिमांड होगा। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा अल्कैप्टोनूरिया, अल्कैप्टोनूरिया में होमोजेनेटिक एसिड ऑक्साइड ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी।
ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर में और एक छोटा सा डिजीज है जिसको बोलते हैं तेई सेक्स सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तेई सेक्स सिंड्रोम, और सेक्स को वैसे नहीं लिखते जैसा आप सोच रहे हैं, ये सच बोल सकते हो, मगर इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तेई सेक्स सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया। तो तेई सेक्स सिंड्रोम में भी एक एंजाइम की कमी होगी, तो जो कमी है उसको अपन रेड पेन से लिख लेंगे। इसमें डिफिशियंसी हो जाएगा बीटा एन एसाइल हेक्सा एमिडेज का, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ बीटा एन एसाइल बीटा एन एसिटाइल हेक्सा एमिनी डेज, ठीक है। इस एंजाइम की क्या हो जाएगी, यहां पे कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन को क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा, ठीक है। तो डिफिशियंसी हो गया बीटा एन एसिटाइल हेक्सा एमिडेज का। इसके कारण यदि ये एंजाइम काम करना बंद कर दिया, तो ड्यू टू दिस जो फैट है एक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो गया, एक्यूमुलेट एंड डैमेजेस दी सेल, डैमेजेस दी सेल, सेल को क्या करेगा, ये डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली लीड्स टू कॉज पैरालाइसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पैरालाइसिस। तो टोटल हमने कितने डिजीज देख लिए, मेरे ख्याल से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल किटोनूरिया, अल्कैप्टोनूरिया, उसके बाद में तेई सेक्स डिजीज। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, तो ये हमारा फिफ्थ नंबर है, ठीक है। सिक्स नंबर में एक छोटा सा डिजीज आता है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। ये सब आप जानते हैं, जब पिगमेंटेशन टोटली हट जाए आपके बॉडी से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लेस या फिर नो पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो वो स्किन जो है वो कैसे हो जाती है, फॉरेन जैसे हो जाती है, एकदम प्योर व्हाइट कलर का स्किन वहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें किस एंजाइम की कमी है, तो टायरोसिनेज एंजाइम है, तो यहां पे भी वही हो जाएगा डेफिशियंसी, डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम, ये टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी का स्किन होता है, आयरिस ऑफ आई होता है, ये मिलेनिन डिफिशियंट बन जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बॉडी, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी पार्ट्स का, बॉडी के स्किन का, आयरिस ऑफ आई, ये सब एग्जांपल है जिसमें कहीं ना कहीं इसका जो छाप है वो दिखता है, यहीं से एकदम ग्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी टायरोसिनेज का है, एंजाइम का नाम तुमको याद करना है, और छोटा सा उसका सिम्टम याद करना है, बिकम मिलानिन, ना मिलानिन पिगमेंट है, मिलानिन डेफिशिएंट, ठीक है। ये कैसा होगा, मिलानिन का डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल हमने अभी कवर किया फाइव टाइप के डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, ठीक है। इसके बाद हम कवर करेंगे और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिसको हमको कवर करना है, जिसमें से एक तो तुम्हारा अभी हमको पढ़ना क्या है, म्यूटेशन को, ठीक है। म्यूटेशन के बाद हम पढ़ेंगे बहुत सारे डिजीज है, लाइक क्रोमोसोमल डिजीज, तो क्रोमोसोमल डिजीज को भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस जेनेटिक डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा म्यूटेशन एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक रहेगा उसमें ये तुम्हारा
क्रोमोसोमल डिजीज। ठीक है, दो टॉपिक के साथ में कल हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे जेनेटिक्स का और अल्टीमेटली हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अबाउट द जेनेटिक्स। देन हम स्टार्ट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।